अभी मैंने 1 किलोमीटर चल दिया है लिफ्ट में, कुछ करता हूँ थोड़ा सा आगे चलता हूँ। अस्सलाम ले जाएंगे थोड़ा सा आगे तक, हम ये चले जा रहे हैं वापस। नहीं आप उधर से नेशनल हाईवे पे आएंगे ना? नहीं इधर ही है, इधर आप क्रॉस कर रहे हैं। तुम मसला नहीं अगर जाना है? नहीं नहीं हाईवे रोड पे जाना है, मैंने उधर खाने वाले तरफ जाना है। चलो आप उधर हाईवे पे, चलो ठीक है। लें जी एक और लिफ्ट मिल गई हमें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? थैंक यू सर। तो गाड़ी वाला भी नहीं लिफ्ट दे रहा यार। सर ये फर्स्ट टाइम हमें किसी गाड़ी वाले ने लिफ्ट दी है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थोड़ा सा आगे तक ले जाएंगे? इसलिए तो आपको आराम दिया था। थैंक यू सर। आपका सामान पर काफ़ी है, कैसे ले जाएंगे मुझे? थैंक यू सर। तो वो मैंने शाम को और इंटरचेंज पे जाना है, कितनी दूर है? काफ़ी दूर है। नहीं मैंने पैदल जाना ना, मैं वो चीचा वदी से आया हूँ पैदल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। तमाम दोस्तों को अपने एक और ज़बरदस्त ट्रैवलिंग एंड एडवेंचरस हिचहाइकिंग व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। जी हाँ, आज एक और ज़बरदस्त व्लॉग का आगाज़ हो चुका है, वो कि थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होगा। जिसका जो आगाज़ है वो खानेवाल शहर के एक इलाके कच्चा खूह से मैंने उसका आगाज़ कर दिया है। मेरे बैग पे कच्चा खूह शहर है और सामने है जी नेशनल हाईवे 5। मंजिल जो है वो अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया कि कहाँ तक जाना है, क्योंकि जो व्लॉग है वो काफ़ी लेट स्टार्ट किया है। तो देखूँगा जितना ज़्यादा मैं डिस्टेंस कवर कर सका, और स्पेशली आज के व्लॉग में दोबारा से उसी तरह पहले की तरह हिच हाइकिंग करूँगा, लिफ्ट लेने की कोशिश करूँगा, और जो लोगों का रिएक्शन है वो आपके साथ शेयर करूँगा। और आज के इस एडवेंचरस हिच हाइकिंग व्लॉग को मुकम्मल एंड तक देखिए, तो आगे मेरे साथ मौजूद रहिए। बहुत मुश्किल है यार। और एक बात और शेयर करता चलूँ कि गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अभी खुद दोपहर का टाइम है, तकरीबन 2 बज गए हैं और सूरज बिल्कुल ऊपर है, और नीचे से भी जो पक्की सड़क है वो आग बरसा रही है क्योंकि सूरज की गर्मी की वजह से। तो देखते हैं फिर आज का जो पहली इतनी गर्मी वाला जो हिच हाइकिंग व्लॉग है वो कैसा होता है। रिक्वेस्ट है मेरे साथ मौजूद रहिए और इस व्लॉग को मुकम्मल एंड तक देखिए। वो बस हमने नेशनल हाईवे 5 स्टार्ट हो रही है, वहाँ से लोगों का रिएक्शन देखने वाला होता है हिच हाइकिंग के दौरान, कमाल होता है यार। हालांकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हवा चल रही है, लेकिन हवा थोड़ी सी गर्म है, लेकिन हवा का जिस तरह कहते हैं फ़ायदा तो है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। वो आ गया है जी सामने नेशनल हाईवे का पुल, जिसके नीचे से हम गुजरेंगे। थोड़ा सा आगे जाने के बाद नेशनल हाईवे के ऊपर ही ट्रैवल करूँगा, हिच हाइकिंग करूँगा और लिफ्ट लेने की कोशिश करूँगा। आगे रिक्वेस्ट है मेरे साथ मौजूद रहिए। और जिस तरह आपने पिछले व्लॉग के अंदर देखा था, जो कि मैंने चीचा वतनी शहर से स्टार्ट किया था, जो कि नेशनल हाईवे 5 के ऊपर मैंने यानी कि उसको शूट किया था, तो नेशनल हाईवे 5 के ऊपर बहुत अच्छी तरह यानी कि बड़ी आसानी से लिफ्ट मिल जाती है, और उम्मीद है आज भी लिफ्ट मिल जाएगी बड़ी आसानी से। देखते हैं फिर लोगों का रवैया, लोगों का रिएक्शन और कैसा होता है एक्सपीरियंस। अभी तक जो एक्साइटमेंट का लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा पहले पैदल चलूँगा, वॉक करूँगा, अपने आप को वार्म अप करूँगा, फिर उसके बाद आगे चल के लिफ्ट लेने की कोशिश करूँगा। ये गाड़ी वाला मट्टी उड़ा के चला गया है यार। ओह, अभी हम बिल्कुल ब्रिज के नीचे से गुजर रहे हैं और यहाँ पे जो साया है वो जिस तरह कहते हैं एक अलग ही ताजगी दिला रहा है। ओहो, हाय हाय।
ये मेरे बैक पे आया वही जो ब्रिज मैंने अभी क्रॉस किया है, और सामने तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर आगे आएगा वही नेशनल हाईवे वाला जो रोड मेन है वो आगे चल के। और लोगों का जो रिएक्शन है ना कसम से आउट क्लास है यार, बड़ा ही इस तरह कहते हैं ना, क्या कहते हैं यार, लोग अजीब सी नज़रों से देखते हैं कि बंदा ये क्या कर रहा है और किस तरह इतनी गर्मी में पैदल चल रहा है और हाथ में मोबाइल पकड़ा है वीडियो बना रहा है। लेकिन यही तो हिच हाइकिंग है, यही तो एडवेंचर है। ओहो, मेरा ख्याल है यार ना इधर से हो चलें तो क्या ख्याल है, लेकिन यार रोड के ऊपर ही चलते हैं यार, जितना हम कर सकें करने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने 1 किलोमीटर चल दिया है लिफ्ट में, कोशिश करता हूँ थोड़ा सा आगे चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ले जाएंगे थोड़ा सा आगे तक, हम ये चले जा रहे हैं वापस जा रहे हैं। नहीं आप उधर से नेशनल हाईवे पे आएंगे ना? नहीं इधर ही है, इधर आप क्रॉस किया चले छाते कोई मसला नहीं, अगर जाना नहीं नहीं हाईवे रोड पे जाना, मैंने उधर खाने वाले तरफ जाना ना। चलो आप उधर ले लेंगे ना हाईवे पे। चलो ठीक है, हम थैंक यू बड़ी मेहरबानी। वहाँ अपने छोड़ दें जिधर मर्जी ले जाए, मैंने चुकनी है ना उसको, कोई चुकना the chase and the hunt and I set the pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100, don't need a bank, no I'm funded, play ji ji paidal hi jana, agar lift mil gayi theek hai, par main paidal pahunchna hai inshaallah, gaadi pe likhi lift mil jayegi, wahi to hai inshaallah, aap jaise bade log mil jate hain, nahi matlab gaadi pe bus wagaira pe nahi jana, nahi nahi bus pe nahi jana hai, isi tarah paidal jana, bahut shukriya sir, thank you, khala hafiz। तो ये भाईजान रैंडमली आए थे, इन्होंने मुझे थोड़ी सी यानी कि लिफ्ट दी, बड़ी मेहरबानी इनकी। चलो जितना ही यानी इन्होंने मुझे डिस्टेंस कवर करवाया, बड़ी नवाजिश है इनकी। तो अभी मैं आ चुका हूँ नेशनल हाईवे 5 के ऊपर, और यहाँ पे जो एडवेंचर है वो मेन स्टार्ट होगा। है, है, है। वो ट्रक वाला देख रहा था बड़ी अजीब नज़रों से और इशारे भी कर रहा था गालिबन। लोगों का रिएक्शन तो यार इसी तरह है, देखने वाला होता है यार कसम से। क्रॉसिंग होगी वो आगे इस तरफ को जा रहे हैं, हमने गाड़ी की लाइन लगी है, कंटेनर आ रहे हैं तो पड़ेगा। तनो तनहा इतने बड़े रोड के ऊपर और ऐसे रैंडम भी जा रहे हैं। Love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100, don't need a bank, no I'm funded, play the game like it's nothing, I'm always thankful for something, don't take for granted, stay humble, now wake up, it's time to look at the enemy, look in the mirror if he is no friend to me, it's not working out. शुक्रिया सर, थैंक यू। लें जी एक और लिफ्ट मिल गई हमें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? थैंक यू सर। कहाँ तक जाएंगे आप? आपने बिरवाल तक। ठीक होगा सर, मेहरबानी, शुक्रिया।
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. मुल्तान जाना है जी। बहुत शुक्रिया आपने यहाँ तक लिफ्ट दी, बड़ी मेहरबानी। और खाने वाले कितने किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से 10-11 किलोमीटर। नाम क्या आपका? जावेद। जावेद, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो जी ये जावेद साहब थे जिन्होंने मुझे अड्डा पीरोवाल तक तकरीबन 10-15 किलोमीटर तक की जो लिफ्ट थी वो मुझे दी। तो इनकी बहुत मेहरबानी, बहुत नवाजिश। काफ़ी ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो कवर हो चुका है और अभी जो मज़ीद जो सफ़र है वो कंटिन्यू है। सो आगे मौजूद रहिए। गर्मी बहुत ज़्यादा यार। वो मेरे दोस्त मशवरा दे रहे थे कि ना साथ में सफ़ेद कपड़ा रखना चाहिए, क्योंकि जो ब्लैक कलर का कपड़ा है वो गर्मी ज़्यादा जज्ब करता है। इस बात में दम तो है, लेकिन देखो नेक्स्ट टाइम सही इंशाल्लाह इसको ना चेंज करेंगे। फिर अभी आगे यहाँ से खाने वाल जो है वो तकरीबन 14 किलोमीटर है और जो मुल्तान है वो तकरीबन 60 के अबव है, यानी 60 से ऊपर, या कंफर्म नहीं है लेकिन मैं मैप के ऊपर अभी चेक करूँ या आगे वो बोर्ड आएगा जो मुल्तान है वो कितने किलोमीटर है। लेकिन अभी तक कोई जो ख़ास लोकेशन है वो मैंने नहीं डिसाइड किया। उसकी मेन यही वजह है, एक तो मैंने व्लॉग जो है वो बहुत लेट स्टार्ट किया था, आज थोड़ी सी मसरूफियत थी, और दूसरे नंबर पे जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा है, तो दोपहर का टाइम है, तो इसलिए कोशिश करूँगा जितना यानी कि शाम तक मैं डिस्टेंस कवर कर सका करूँगा और आपके साथ भी शेयर करूँगा। वो सामने बोर्ड आ गया है, यहाँ पर लिखा है जी खाने वाल 11 किलोमीटर और जो मुल्तान है अभी वाजे नहीं हो रहा, पता नहीं वो थोड़ा सा मिट गया है वहाँ पर। तो खाने वाला यहाँ से 11 किलोमीटर है। यहाँ पे यार एक जानवर मरा पड़ा है और बड़ी गंदी स्मेल आ रही है। लोगों को इस तरह नहीं करना चाहिए यार, इनको दबा देना चाहिए जानवरों को। यकीन कीजिए फ्रेंड्स, गज़ब की गर्मी है लेकिन इसी का नाम एडवेंचर है। चीमा ब्रदर्स जाओ, हमने तुम्हारे साथ नहीं जाना क्योंकि हमने हिच हाइकिंग करनी है। जी तो फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा गर्मी में, शदीद गर्मी में हिच हाइकिंग करना किसी बहुत बड़े एडवेंचर चैलेंज से कम नहीं है, क्योंकि इस तरह के मौसम में तो परिंदे भी बाहर नहीं निकलते और हम आवारा गर्दी कर रहे हैं। इसी को नाम जिस तरह कहते हैं एडवेंचर है, इसी का नाम ट्रैवलिंग है। गर्मियों के मौसम में हर बंदा ठंडे इलाकों की तरफ भागता है, स्पेशली नॉर्थ की तरफ। थैंक्स, ले जाएँ। वो एक बंदा और रुक गया यार, बड़ी मेहरबानी यार उसकी। उसने पहले तो समझा कि पता नहीं कौन है, फिर रुक गया, फिर चला गया, फिर आ गया सर, आ गया। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। हाय हाय, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, ले जाएंगे थोड़ा सा आगे तक। शुक्रिया, ये माइक है, ये वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू सर, कहाँ तक जाएंगे? ठीक हो, बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू। खाने वाले शहर में जाएंगे सर? खाने वाले शहर की तरफ जाएंगे आप? वो जो एक लाहौर मोड़ एक इलाका है वो किस जाना है? सीधा इसी रोड पे। और इधर मैदानी इलाकों में बहुत मुश्किल है, ऊपर भी गर्मी और नीचे भी गर्मी है। It's
this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Don't be scared. आने वाले भी आ गए और लाहौर मोड़ उससे आगे ठीक हो गया सर। नाम क्या सर आपका? आपने चैनल विजिट करना है पाक इंचाई कर यूट्यूब पर ना, उधर ये वीडियो आएगी पाक इंचाई कर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो ये थे जी कमर साहब, जिन्होंने मुझे अड्डा पीरोवाल से नियाजी चौक खाने वाल तक लिफ्ट दी, इनकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो अभी यहाँ से खाने वाल तकरीबन मेरे ख्याल में 5 से 6 किलोमीटर है, फिर उसके बाद आगे उन्होंने बताया था कि लाहौर मोड़ और उसके बाद आगे जो मुल्तान की जानब जो रास्ता है वो कंटिन्यू है। तो देखते हैं हम कितना सफ़र कर पाते हैं आज इतनी ज़्यादा गर्मी में, और इतनी ज़्यादा गर्मी में हिच हाइकिंग हम कितनी दूर तक कर सकते हैं। इंजॉय कीजिए और हमारे साथ मौजूद रहिए। बहुत एडवेंचरस, मुश्किल। इंजॉय करो हिच हाइकिंग इतनी ज़्यादा गर्मी में। हनीफ साहब, अभी यहाँ पे खाने वाल के बहुत बड़े यूट्यूबर हनीफ साहब को कॉल करते हैं, अगर वो दस्तयाब हुए तो ज़रूर हमें मिलें, हमारी बड़ी तमन्ना है उनसे मिलने के लिए। कॉल करते हैं, देखते हैं वो पिक करते हैं या नहीं। अस्सलामु अलैकुम जी सर, नियाजी चौक क्रॉस हो गई तकरीबन। हाँ, समझ गया, ठीक हो। तो जी हनीफ साहब से बात हो गई है, वो कह रहे हैं कि आप उधर आ जाओ गालबन शाम कोट इंटरचेंज पे, तो वहाँ पे मिलेंगे। अभी काफ़ी आगे है तो चलते हैं और उनसे भी मिलते हैं। नहीं नहीं, रिक्शा वाला कह रहा था कि चलोगे, बहुत शुक्रिया भाई, हमने हिच हाइकिंग करनी है, अगर कोई फ्री में ले जाए तो ले जाए, फ्री ट्रैवलिंग इसी का नाम है जी। फ्रेंड्स, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट एंड टाइम इज़ वेरी फास्ट, तो निकलो घरों से और हिच हाइकिंग करो, ट्रैवलिंग करो और पाकिस्तान की ब्यूटी को एक्सप्लोर करो और दुनिया के साथ शेयर करो। हम तो कर रहे हैं मुश्किलात के साथ साथ, देखते हैं फिर कैसा एक्सपीरियंस होता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ये क्या कर रहे हैं? ये माइक है जी, ये वीडियो बन रही है इसकी हमारी। क्यों? हमने चीचावटनी से सफ़र स्टार्ट किया और खाने वाल से आगे मुल्तान की तरफ जाना है। वो बंदा हैरान हो गया, यार पैदल जा रहे हो? पैदल जी, पैदल। वो आगे गलबन आ गया, बाएं जानब है खाने वाल शहर और दाएं जानब रोड के ऊपर यानी कि वो जो ब्रिज है रेलवे लाइन का, उसको क्रॉस करते हुए हमने जाना है आगे लाहौर मोड़ की जानब और आगे मुल्तान की जानब। वो बाइक वाले कह रहे थे कि कैश लही बताएं, एनका लही बताएं, मैं जब उन्होंने देखा कि माइक लगा फिर चले गए, यानी वो सराइकी बोल रहे थे लोकल लैंग्वेज। ओहो फ्रेंड्स, अगर वीडियो में या वॉइस में या अगर कोई गड़बड़ हो तो माजरत, क्योंकि इतनी गर्मी में खुद को संभालना और वीडियो रिकॉर्ड करना और सारी बातों का ख्याल रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा काम है यार। आ जाओ उठिए। अभी हम आ चुके हैं जी हनीफ साहब के शहर में, खाने वाल शहर में। यकीन कीजिए फ्रेंड्स, ऊपर भी इतनी तपश है, कैब भी ली हुई है लेकिन बहुत तपश है, और नीचे से भी पांव जल रहे हैं।
ले जाओगे? नहीं लेके जाएंगे भाई, वो तो फुल स्पीड जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वो बंदा मिस्त्री लगा हुआ है उधर, वो बड़े गौर से देख रहा था, उसको सलाम किया। अच्छा मैंने एक चीज़ नोट किया, हिच हाइकिंग जो है ना वो शहर के एरिया में बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है बल्कि, लेकिन इस तरह रोड्स के ऊपर बहुत आसान है यार। क्यों? क्योंकि लिफ्ट मिल जाती है। तो इंशाल्लाह अभी मज़ीद जो लिफ्ट लेने की कोशिश करेंगे। और अभी हम पहुंच चुके हैं गालबन खानेवाल चौक में, या गालबन इसको यही नाम देते हैं। और ये गालबन वही चौक है जहाँ पर मैं पहली बार हनीफ साहब से मिला था। बाएं जानब खानेवाल शहर है और दाएं जानब सीधा मुल्तान की जानब। बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है। सर के बालों से लेके पाँव के नाखन तक पसीना आ रहा है। ओहो, अजीब नज़रों से मत देखो, हम भी इंसान हैं। ओ भाई ख्याल से गुजरो, तू ऐसे मुंह उठा के जा रहा है यार, खुदा खौफी कर। खानेवाल शहर, वो सामने खानेवाल शहर इस जानब, और ये गालबन यहाँ पे एक लोगो लगा है। और हमने सीधा जाना है उस ब्रिज को क्रॉस करते हुए लाहौर मोड़ की जानब, और जो सफ़र है वो आगे कंटिन्यू रहेगा। आगे हमारे साथ मौजूद रहिए। वाह 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 वाह, ओहो यार इतनी हीट यार, कसम से पाँव का ना ऐसे ना जैसे लग रहा है कि किसी कोई हीटर लगाओ नीचे पाँव में, क्योंकि जो सड़क है वो बहुत ज़्यादा गर्म है और ऊपर से भी सूरज की तपश है, तो बस करवा रही है यार दोनों तरफ से हीट। या अल्लाह, खैर बा खैर वाफियत हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं आज, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम एक ही दिन में यानी कि इतनी लंबी जो राइड है या जो डिस्टेंस है उसको कवर कर लें। जितना हो सके आसानी से, हिच हाइकिंग इसी का नाम है, पेशेंस का नाम है, सब्र और सुकून का नाम है, कि जितना सुकून के साथ हम जितनी भी जो डिस्टेंस है उसको कवर कर सकें उतना ही करें, ज़्यादा नहीं यानी कि हमने करना, क्योंकि गर्मी के मौसम में पैदल चलना बहुत मुश्किल है, स्पेशली इस तरह गर्म जो सड़क के ऊपर। ये आगे है जी, आगे पुल रेलवे लाइन का। अभी यहाँ पे कोई ट्राई करेंगे लिफ्ट लेने की, अगर मिल गई तो। बहरहाल यहाँ पे मुश्किल है लिफ्ट मिलना, देखते हैं। अभी गालबन वीडियो में ये माइक भी आ रहा होगा, थोड़ी सी इसकी एडजस्टमेंट हवा के तेज़ बहाव की वजह से थोड़ी सी ख़राब हो गई है, लेकिन काम चल रहा है। और वो जो पीछे बंदा था ना पूछ रहा था, वो भी गालबन लिफ्ट लेके आ रहा है, वो पीछे वहाँ पे उतरा था, अब दोबारा से उसने लिफ्ट ली है, तो वो इस तरह लिफ्ट लेके जा रहा है। वो भी वो जो पीछे पूछ रहा था कि किधर जा रहे हो। ये रहा वो बंदा, ये जो लिफ्ट लेके जा रहा है, दो दफ़ा इसने लिफ्ट ली है। अभी हम बिल्कुल ब्रिज के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं यार। अभी यहाँ पे भी लिफ्ट कार्ड को यूज करने की कोशिश करते हैं, शायद मिल जाए, पर यार मुश्किल है क्योंकि चढ़ाई है। Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted. Stay humble. Now wake up. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out. Maybe it's the chemistry. It's time to. कोई randomly अकेला बंदा आया तो try करे ना यार. जोड़ा जोड़ा जा रहा है और जोड़ा तो. Thing. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. वो पीछे आ रहे हैं तीन बाइक वाले, लेकिन शायद वो शहर की जानब जाएंगे। तो इस पुल पे तकरीबन मैंने थोड़ी देर के लिए ब्रेक ली थी, लिफ्ट लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन कोई लिफ्ट नहीं मिली, क्योंकि ज़ाहिर है यार मुश्किल है इस ब्रिज के ऊपर लिफ्ट मिलना। तो अभी मज़ीद जो पैदल है वो सफ़र उसी तरह कंटिन्यू रखते हैं, और अगर मिल गई लिफ्ट तो ठीक है, वरना पैदल ही चलेंगे और आगे इसी तरह एंजॉय करेंगे। तो गाड़ी वाला भी नहीं लिफ्ट देगा यार,
सर ये फर्स्ट टाइम हमें किसी गाड़ी वाले ने लिफ्ट दी है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थोड़ा सा आगे तक ले जाएंगे। थैंक यू सर। चीचा पत्नी जी जी गुड। कहाँ जा रहे हैं आगे? अभी मुल्तान जाना है हमें। मुल्तान शहर में जाना है जी। विजिट कर रहे थे जी जी। हमने पैदल जाना है ना इसी तरह। आ जा जा। अगर लिफ्ट मिल गई ठीक है, वरना पैदल जाएंगे। आज शाम तक इंशाल्लाह मुल्तान जाएंगे। सामने तो मुल्तान है ना। लाहौर मोड़ कितनी दूर है यहाँ से? लाहौर मोड़ है आगे इससे ब्रिज से आगे। जी जी सही हो गया जी। ये हिच हाइकिंग करते ना हम, पैदल लिफ्ट मिल जाए तो ठीक है, वरना पैदल हमने ट्रैवल करना है। यानी कि टूरिज्म के हवाले से ना पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पेश कर रहे हैं हमें इधर। कोई टेंशन वाली बात नहीं है किसी किस्म भाई। अंग्रेज आए जी, अंग्रेज आते हैं ना इस तरह, तो फिर वो हमारी इस तरह वीडियो देखते हैं, फिर वो यानी मुतमन होते हैं ना। कोई मसला नहीं, बहुत मेहरबानी आपने इतनी लिफ्ट दी, काफ़ी है। क्योंकि गर्मी बहुत है, असल मसला ये है सर, ऊपर भी गर्मी है और नीचे पक्की चल रही है ऐसे ना, बहुत मुश्किल हो जाए। ये आप सब्सक्राइब कर ले, ये मेरा चैनल है। ठीक है सर, थैंक यू। एक सर मैं बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू सर, आप भी विजिट करना चैनल, बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो जब से मैंने हिच हाइकिंग स्टार्ट की है, ये पहली दफ़ा किसी गाड़ी के ऊपर स्पेशली इस तरह लिफ्ट मिली है, तो बड़ा ही अच्छा लगा। और स्पेशली इन्होंने मुझे यहाँ तक जो लाहौर मोड़ है यहाँ तक लिफ्ट दी, तो बहुत अच्छे यानी वो दोनों बंदे थे, तो बड़ा इन्जॉय किया यार उनके साथ सफ़र को। और अभी जो आगे मज़ीद सफ़र है गर्मी में वो भी कंटिन्यू हुआ है, सो आगे हमारे साथ मौजूद रहिए और हमारे आज के इस एडवेंचरस हिचहाइकिंग व्लॉग को मुकम्मल एंड तक देखिए। 067 इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिचहाइकिंग करो, ट्रैवलिंग करो, क्योंकि ट्रैवलिंग के दौरान नई नई कहानियाँ, नए नए लोग मिलते हैं और नई नई जिनके जगहें देखने को मिलती हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है यार, कमाल है। और इतनी गर्मी में, स्पेशली इतनी गर्मी में लोगों का जो रिएक्शन है, जो रवैया है, वो कमाल है, देखने वाला होता है यार, कसम से। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा यानी तपश है, लेकिन जो लोगों का रवैया, जो रिएक्शन है, जो पाकिस्तानी लोगों का प्यार है स्पेशली हिच हाइकर्स के साथ, वो कमाल है। वो जिस तरह कहते हैं स्टैमिना डाउन नहीं होने देता, तो इसीलिए जो सफ़र है इतनी गर्मी में कंटिन्यू है, वरना बहुत ही मुश्किल है यार हिच हाइकिंग करना। शामकोट इंटरचेंज कितनी दूर है? शामकोट इंटरचेंज सामने, ठीक हो गया। वो गालबन हनीफ साहब कह रहे थे कि उधर शामकोट इंटरचेंज वहाँ पे खड़े होंगे शेल पेट्रोल पम्प पे, तो अभी थोड़ा सा आगे है गालबन, वो थोड़ा सा आगे जाने के बाद। एक तो बंदा ये होता ना कि लिफ्ट ले ले और काफ़ी लंबा सफ़र तय कर ले, फिर उसमें नया क्या है, एडवेंचर क्या है, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि छोटी छोटी लिफ्ट लूँ और नए नए लोगों से बार बार लिफ्ट लेने की कोशिश करूँ, और नए नए लोगों के साथ जो अपना इंटरेक्शन है वो बढ़ाऊँ। आपका सामान काफ़ी है, कैसे ले जाएंगे मुझे? थैंक यू सर। तो वो मैंने शामकोट इंटरचेंज पे जाना है, कितनी दूर है? काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर है। रिश्के पे बैठे हैं? नहीं मैंने पैदल जाना ना, वो चीचा पत्नी से आया हूँ पैदल। इतना सफर वीडियो बना रहे हैं? मुल्तान जाना है पैदल जी। काफ़ी सफर है ये तो। मुल्तान कितना है आगे? शाम तक इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे फिर। एक बाइक पे तो एक घंटा लगता है।
चार पाँच घंटे लग जाएंगे। खैर पैदल शाम तक पहुँच ही जाएंगे। इंसान यार बाइक पे जाना है कार पे? नहीं नहीं पैदल जाना है। पैदल जी सर। वो इस तरह जितना आपने लिफ्ट दी अगर मिल गई तो ठीक है, कोई लिफ्ट रास्ते में, वरना पैदल ट्रक के ऊपर भी लिफ्ट मिल जाती है, कोई डाले वाला कोई रिक्शे वाला रैंडमली। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू, आपने लिफ्ट दी यही काफ़ी है। आगे मोटर वे आती है ना उधर ही है ना वो शाम करके। हाँ, सही कोई मसला नहीं, इतना ही काफ़ी है। यही आपकी जिस तरह कहते हैं मोहब्बत है, आप मुझे यहाँ तक ले आए, कोई मसला नहीं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया सर। और कितना आगे है वो इंटरचेंज? अब है तकरीबन एक इतना दूर नहीं है। ठीक होगा, बड़ी मेहरबानी, एक किलोमीटर होगा। अल्लाह हाफिज। तो ये देखिए इस तरह लोग प्यार के ज़रिए ना अपने जिस तरह कहते हैं मोहब्बत का इजहार करते हैं। और हालांकि मैंने लिफ्ट का कहा भी नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे खुद ही ऑफ़र की कि आ जाओ हमारे साथ बैठ जाओ। हालांकि उनके पास सामान भी था, लेकिन फिर भी वो मुझे अपने साथ लेके आए। चलो आधा किलोमीटर ही सही, एक किलोमीटर ही सही, उन्होंने मुझे लिफ्ट तो दी ना। तो ये है जी जिस तरह कहते हैं पाकिस्तानी लोगों का प्यार। इसीलिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान ट्रैवलिंग टूरिज़्म हिच हाइकिंग के लिए सेफ तरीन कंट्री है। ज़रूर निकलें, ट्रैवलिंग करें, हिच हाइकिंग करें और पाकिस्तान के अंदर घूमें फिरें। और अभी तक मैंने तकरीबन काफ़ी ज़्यादा यानी कि जो फासला है जो डिस्टेंस है वो तय नहीं किया, लेकिन गर्मी की वजह से थकावट है सिर्फ और सिर्फ, गर्मी तंग कर रही है। लेकिन आप देख सकते हैं मुझे कितनी दफ़ा लिफ्ट मिल चुकी है। बस बंदे को जिस तरह कहते हैं थोड़ी सी ना अपने आप को मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए, टाइम की, लोगों के साथ बातचीत की, तो सब कुछ यही ठीक है। आगे तक ले जाएंगे तो आगे तक ले जाएंगे थोड़ा सा। रुक गए, एक और लिफ्ट मिल गई, बहुत मेहरबानी इनकी। आगे सर आगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? थोड़ा सा आगे तक ले जाएंगे वो शाम को इंटरचेंज तक। आगे बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू। कितनी दूर है यहाँ से? थोड़ा ही दूर है। ठीक है, ये मेरा ना YouTube चैनल है, हम हिचहाइकिंग करते हैं तो इसलिए वीडियोस बनाते हैं ना। चीचावती से आए हैं इसी तरह पैदल। पहुँच ही जाएगा लग रहे, गालबन आ गया है ना पेट्रोल पंप वो शेल वाला। चलो इधर ही उतार, कोई बात नहीं, बस ठीक है, चले उतार दें, कोई बात नहीं, अब रोक लें। बहुत शुक्रिया सर, आगे आगे तक मैं ले जाता हूँ, कोई बस बड़ी मेहरबानी। इधर ही जाना है आपने पेट्रोल पंप पर? वो आ गया, ठीक हो गया, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़। तो जी अभी आगे हनीफ साहब भी आ चुके हैं और इन दोस्त की मेहरबानी, हालांकि इनकी बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने जैसे भी रेस दे दे के मुझे यहां तक पहुंचा दिया, तो बहुत मेहरबानी इनकी, बड़ी नवाजिश है। तो अभी आगे खड़े हैं जी हनीफ साहब, मेरा वेट कर रहे हैं गालबन, मैंने उनको काफ़ी वेट करवाया लेकिन गर्मी की वजह से लेट हो गया हूँ, इस चीज़ की माजरत, बहुत इंतज़ार किया है, गर्मी बहुत है यार। अलहमदिल्ला से ठीक है, पहुँच गए, बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बड़ी गर्मी है। मुझे नहीं पता था आप, मैं समझे बाइक पे आ रहे हैं। बाइक पे आता तो कब का आ जाता यार, मैं वही कह रहा हूँ, इतनी देर में तो बंदा मुल्तान पहुँच, मुल्तान पहुँच जाता है यार। और इधर रुके, ब्रेक लेते हैं यार। अच्छा ऊपर से धूप, नीचे से तपश, बस हो गई, बड़ी गर्मी है। पानी मिलेगा? लिफ्ट कार्ड चेक।
this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. तो ये जी खाना आ चुका है, हनीफ साहब ने यहाँ पे ऑर्डर किया है। खाएं खाएं, खाना ठंडा हो जाएगा जी। बस शुरू कर रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं हनीफ साहब के साथ इनका गांव देखने, देखते हैं इनका गांव, फिर उसके बाद आगे जो व्लॉग है उसको कंटिन्यू रखेंगे। चले, कितनी दूर है तकरीबन? 5 मिनट का। तो अभी हम आ चुके हैं हनीफ साहब के गांव में। माशाल्लाह काफ़ी सरसब्ज़ और शादाब ज़रखेज़ इलाका है, और यानी कि एक बिल्कुल डेरे टाइप, यानी कि ये एक गांव है छोटा सा, ओवरऑल यानी काफ़ी ज़रखेज़ इलाका है। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. जी अभी हम मौजूद हैं शाम कोट इंटरचेंज पे। जिस तरह भी आपने देखा कि हनीफ साहब मेरे साथ थे, उन्होंने यहाँ पे खाना खिलाया, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खाना था, बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके। और जो स्पेशली दाल बनी हुई थी वो तो लाजवाब थी, और ओवरऑल जो हमारा आज का व्लॉग था वो बहुत ही, जिस तरह कहते हैं, एडवेंचरस था, बहुत ही यानी कि मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। उम्मीद है आपको भी आज का व्लॉग पसंद आएगा। अगर ये व्लॉग पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स में कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। और जो लास्ट में हमेशा की तरह मोहतबाना गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जो साथ में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। और हाँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक और स्नैक वीडियो पे भी फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई वीडियो में, किसी बेहतर वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त नईम अब्बास भुट्टा को इजाज़त दीजिए, और दुआ में जरूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।